ऑप्शन आर ए स्मॉल पॉक्स बी पोलियो सी डिप्थेरिया डी निमोनिया एंड ई टेटनस ठीक है सो so, हम एक एक करके सबके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देख लेते हैं फर्स्ट वन इज ए स्मॉल पॉक्स ठीक है स्मॉल पॉक्स जो होता है ये कफ स्नीजिंग के थ्रू स्प्रेड होता है या फिर ये सेलाइवा के थ्रू भी हो सकता है बाय शेयरिंग ड्रिंक्स और इट कैन स्प्रेड थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हैंडशेक्स वगैरह के थ्रू ये फैल सकता है या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि किसी की यूज सिरिंज यूज कर ली इन्फेक्टेड पर्सन की तो उसके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है यानी कि ये इन्फेक्शियस है क्योंकि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो रहा है देअ फोर स्मॉल फॉक्सिस इन्फेक्शियस देन बी इज पोलियो पोलियो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू फैलता है ठीक है सो पोलियो हेयर इज इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है सो पोलियो इज ऑल्सो इन्फेक्शियस, सी इज डिप्थेरिया एंड डिप्थेरिया जो है ये भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है ये भी कफ एंड स्नीज एंड सिलाइवे के थ्रू स्प्रेड होती है डिप्थेरिया, देन वी आर हैविंग न्यूमोनिया ये भी कफ एंड स्नीजेस के थ्रू होती है ठीक है इसमें क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स की वजह से ये स्प्रेड होता है देन ई इज टेटनस ये भी इंफेक्शियस है ये सॉइल के थ्रू डस्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है सो so, डिजेज आर इन्फेक्शियस तो इसमें से ऑप्शन फोर क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर होता है आज डाउनलोड करे डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर